चलिए इस ट्यूटोरियल में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट थ्री सम्स भी सॉल्व करते हैं. सो टेंथ सम इज 14y-8=13. तो एज यूजुअल हम सबसे पहले y वाली टर्म्स इधर रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे. तो 14y कितना आ जाएगा मेरा 13, 8 इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है. दैट मीन्स 14y = 13 + 8 कितना हुआ 21. दिस इम्प्लाइज y = कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय 14. क्यों डिवाइडेड बाय 14? क्योंकि 14 इधर y को मल्टीप्लाई कर रहा है और उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड. अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले पिछले वीडियोस देख लो, जिसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है. अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं कि ये भी 7 पे कटता है, ये भी 7 पे कटता है. तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ, 7 × 3 = 21 एंड 7 × 2 = 14. सो दिस इज माई आंसर. एक बार वेरीफाई कर रहे हैं इसको भी, लीजिए वेरीफाई करते हैं. 14y-8 = 13. 14y की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो इसमें हम (3/2) कर देते हैं. -8 = 13, तो 2 × 7 = 14, तो ये कितना हो गया 7 × 3 कितना हो गया 21 -8 = 13. अब 21 में से 8 गया कितना आ गया 13 = 13, यानी कि LHS = RHS. दैट मीन्स जो हमने आंसर निकाला था दैट इज द राइट आंसर. लेट्स नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. 17+6p = 9. ये एग्जैक्टली इसी तरह का ही सम है. दिस इम्प्लाइज अब इधर मुझे p की वैल्यू निकालनी है, p इज माय वेरिएबल. तो 6p यहाँ रहेगा = 9. अब 17 इस साइड पे प्लस का है या माइनस का? प्लस का. अगर किसी भी नंबर के पहले कोई भी साइन ना हो तो वो प्लस का होता है. तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -17. दिस इम्प्लाइज 6p = अब 17 नेगेटिव का है, बड़ा है, 9 छोटा है. तो 17 में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा -8, राइट. दिस इम्प्लाइज p = -8/6. जैसे हमने यहाँ पे किया था 14 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, वैसे ही 6 इधर p को मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया. अब ये 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है. तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ फर्दर तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -4/3. वेरीफाई कर लें इसको भी, चलो इसको भी एक बार वेरीफाई करते हैं. तो 17+6p = 9. दिस मीन्स 17+6 × -4/3 = 9. पी की जगह मैंने ये जो हमने सोल्यूशन निकाली थी उसको डाल लिया चेक करने के लिए कि वाकई ये सही सोल्यूशन है या नहीं. दिस एम्प्लाइज 17. अब ये 6 को 3 यहाँ डिवाइड करता है तो ये मैं काट सकता हूँ, ठीक है. तो 17 - 8 क्यों हुआ? -8 इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -4 से, और अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है हमेशा माइनस. प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है प्लस. माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है प्लस. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 जो है वो प्लस का है, 4 जो है वो माइनस का है, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन है. तो 2 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा -8 = 9. एंड दिस इम्प्लाइज 17 - 8 = 9. दैट मीन्स LHS = RHS. दैट मीन्स दिस सोल्यूशन इज करेक्ट. Now let's solve the last question. x/3+1 = 7/15. तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है कि x वाली टर्म्स इस साइड पर रखिए,
बाकी सबको उधर ले जाओ, तो उधर लेके जाऊंगा तो प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू, अब मुझे इसको सॉल्व करना है एलसीएम के मेथड से। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस मेथड तो जो वीडियो का लिंक टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्लेड है पहले उसको देख लो, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगर आपको एलसीएम मेथड नहीं पता तो पहले उसको ज़रूर देखना। तो दिस कैन बी रिटन एज वन बाय वन, राइट। तो 15 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 15। नाउ लेट्स डिवाइड 15 बाय 15, तो 15 इंटू 1 इज 15, और उस 1 को फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि 7 इंटू 1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। 15 को 1 से डिवाइड करो, तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 15 पे, और उस 15 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 इंटू 15। दिस एम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15। 7 इंटू 1 इज 7, 1 इंटू 15 इज 15 डिवाइडेड बाई 15, विच मीन्स 15 में से 7 गए, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 आएंगे, लेकिन माइनस 15 इज बिगर प्लस 7 इज स्मॉलर, सो इट विल बी माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15, राइट। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x सिर्फ आपका इधर रहेगा और 3 जो है वो उधर चला जाएगा, और 3 इस साइड में क्या कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 3 इसको इस साइड में डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो इंटू 3 हो जाएगा। अब इस 3 को मैं इससे काटूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5, दैट मीन्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ योर आंसर। अब इस पर्टिकुलर सम का वेरिफिकेशन आप इसमें डाल के खुद कीजिए और देखिएगा कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं। जस्ट इन केस यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।